स्वागत है। क्या लगता है कि इस बार भी शुक्ला बाजी मार लेंगे? थैंक यू महेश। सबसे पहले वायरल बॉलीवुड देखने वाले सभी दर्शकों को संतोष शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरी जान, ऐसा है कि सिद्धार्थ शुक्ला बाजी मार लेंगे। मैंने डे वन पे आपको बोल दिया था, जब आप पहली बार आए थे मुझसे बिग बॉस के बारे में इंटरव्यू करने, कि सिद्धार्थ शुक्ला इस शो का विजेता बनेगा। अब मैं आपको उसकी पूरी जर्नी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता और आवाम और जो अपोजिट पार्टी के फैंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला खाली लड़ना जानता है ना, चिल्लाना जानता, चीखना जानता है। वैसा नहीं है, क्योंकि मैं उसकी पूरी जर्नी पे अगर टोटालिटी में नज़र मारता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि सिद्धार्थ शुक्ला व्हेन ही वाज नॉट फाइटिंग इन द हाउस ही वाज मोर चार्मिंग। वो जिस किस्म की कॉमेडी कर रहा था, जिस किस्म का रोमांटिक एंगल उनके दिमाग में आया और जिस तरीके से वो इनर ब्यूटी लेकर के आ रहे थे ना, वो बड़ा खूबसूरत था और बहुत कमाल था। तो मेरे ख्याल से किसी को इस तरीके से जज मत करो कि खाली वो अपनी आवाज़ उठाता है और लड़ता है और झगड़ता है। वो कभी भी अगर पूरा सीज़न उठा के घुमा घुमा के देख लो, सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी गलत बात के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई है, मतलब गलत बात के ऊपर आवाज़ उठाई है। आप कभी भी देखो, उसको लगा कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, और फुल लॉजिक के साथ बात करता आदमी, आपको एकदम ठंडा कर देगा। आपके दिमाग में जितने भी सवाल गूंज रहे हैं ना, वो एकदम क्लैरिटी में लेके आ जाता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता वो कन्विंस हो जाती है, मैं कन्विंस हो जाता हूँ, सारे लोग जो बिग बॉस देख रहे हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई, नहीं, शुक्ला तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। सिद्धार्थ शुक्ला शुड बिकम द विनर ऑफ बिग बॉस 13, क्योंकि वो डिजर्व करता है। उस आदमी ने एक जिस किस्म की पोकनेस झेली है ना अंदर, अरे बाप रे बाप। मुझे कोई बोलता है, शाणे व्हेन यू वर इनसाइड, तुमने क्यों नहीं किसी को ठोका, तो हमारे सीजन में किसी ने आके यहाँ तक नहीं था भौंका, अदरवाइज हमने उधर दिया होता उसको ठोका, समझ रहे ना भाई। तो अभी सिद्धार्थ शुक्ला इतना एंग्री यंग मैन है और इतना एंगर है उसके अंदर, और जिस किस्म का उसका टेम्परामेंट है, मुझे लगता है कि भाई इतनी बदतमीज़ी तो नहीं बर्दाश्त करता होगा रियल ज़िंदगी में भी वो आदमी। तो ये उसका एक पेशेंस चेक हो गया बड़ा कमाल का। अब इसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे मुझे लगता है शो से निकलने के बाद, और गुस्सा उनका काफ़ी कम होगा। एग्रेशन में भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी आएगी, बिकॉज़ वो पेशेंस चेक हो गया। वो आदमी ने हाथ नहीं उठाया, जिस किस्म की पोकिंग हुई उनके साथ ना, उसने हाथ नहीं उठाया। तो आई सेल्यूट हिम, आई थिंक हिज जर्नी वॉज फैबुलस एंड ही शुड बिकम द विनर ऑफ बिग बॉस 13, और ट्रॉफी उसको लेके सीधा अपने घर जानी चाहिए अपनी माँ के पास। तो वही है विनर मेरे ख्याल से। बाकी एक बात और मैं जाते जाते बोल देना चाहता हूँ फैंस के लिए, ये जो आसिम के फैंस हैं, जो सिद्धार्थ के फैंस हैं, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी जान, तुम लोग ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे के जो कपड़े फाड़ लो मत फाड़ो, बहुत ख़राब लग रहे हो, गंदे लिख रहे हो, तुम लोग फेक आईडीज बना बना करके अपना तुम लोग काम चला रहे हो, और अंदर की जो कड़वाहट है ना वो लेकर के आ रहे हो सोशल मीडिया पे। माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, माँ बाप को पता चलेगा तुम लोगों को संटियाँ मारेंगे पिछवाड़े पे, समझ रहे हो ना, और उस पर मरहम लगाने वाला कोई मिलेगा नहीं तुमको। ये तुम लोग इतनी बदतमीज़ियाँ कर रहे हो, ये दोनों निकलेंगे बाहर, अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनके पास बहुत सारा काम आएगा। क्या आपके घर पर आएँगे खाना खाने? आपको ऐसा लगता है आसिम या सिद्धार्थ दोनों में से कोई आएगा आपके घर पर चाय पीने? तो क्यों इतना पागल हुए जा रहे यार, रिलैक्स रहो, फैन हो, टेक इट इजी, इट्स अ गेम, स्पोर्टिंगली लो यार, कि हाँ भाई चलो एक गेम था, इसको स्पोर्टिंगली ले लिया, इससे बदतमीजी मत करो भाई, मत करो। मॉल टास्क में तुम लोगों ने जो किया है, टास्क ही कैंसिल करा दिया यार, वो टास्क कैंसिल हो गया, उसका क्रेडिट आप लोगों के ऊपर जाता है। प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, लाठी उठाने पर मजबूर कर दिया तुमने, ऐसा मत करो। वो लोग भी आकर के वो थैंक यू का मैसेज भी बोलने से पहले घबरा जाएंगे कि यार आपके फैंस ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, तो उनको भी क्या लगेगा। आज मुझे भी ऐसा कोई लगता है मेरा कोई फ़ैन अगर इस तरीके से बदतमीजी कर देता, आई एम नॉट गोना अप्रिशिएट इट, नॉट एट ऑल। क्योंकि यार फैंस मतलब एक क्रेज़ी फ़ैन नहीं होना चाहिए, उससे डर लगता है लोगों को, फिर लगता है नहीं भाई ये क्रेज़ी है। ट्राई टू बिकम अ जेन्युइन फ़ैन, एक दूसरे की इज्जत करो, प्यार से रहो, ऐसा मत करो बदतमीजी की ऐसा लगे कि बिल्कुल ही तुम लोग पागल हुए जा रहे हो। वो मत करो यार, वो मत करो प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी मैं हिंदुस्तान की जनता और आवाम से ये अपील करता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला को वोट करें आप, एंड उसको विनर बनाएं बिग बॉस 13 का। थैंक यू मेरी जान, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, लव यू, बाय।